सिवनी में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। कई इलाकों में यहां ओले गिरे हैं। ओले गिरने से किसानों की फसल पर असर पड़ा है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल चौपट हो गई है। जनजीवन पर असर पड़ा है। जो कच्चे मकान थे वो टूट गए, उन्हें नुकसान पहुंचा है। और खास तौर पर इस अचानक ओले गिरने से किसानों की जो खड़ी फसल थी वो बर्बाद हो गई। किस तरह से यहाँ पर ओले गिरे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिवनी से, जहां किसानों पर ओले की मार पड़ी है। ना सिर्फ किसानों पर बल्कि जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी भी प्रभावित हुई है, उस पर असर पड़ा है। इसके अलावा जो किसान हैं उनका कहना है कि उनकी जो मेहनत है उस पर ये पानी फिर गया, क्योंकि जो उनकी फसल खड़ी थी खेतों में और उस फसल पर ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान उस फसल को पहुँचा है। इसके अलावा जो कच्चे मकान थे, यहाँ पर ग्रामीण इलाका है, यहाँ कच्चे मकानों को नुकसान पहुँचा है। तो अचानक मौसम बदलने से कहीं तेज बारिश हुई है, कहीं ओले गिरे हैं, उससे जो आम लोग हैं उनके जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। खास तौर पर किसानों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं। बात बैतूल की कर लेते हैं। यहां पर भी ओले गिरे हैं, तेज बारिश, हवाएं और फसलों को नुकसान। गेहूं और चने की फसलें तैयार खड़ी थी खेतों पर, उस पर काफी असर पड़ा है। तेज बारिश यहां पर हुई है, देखिए किस तरह से पानी बरसा है यहां पर। उसके बाद ओले गिरे हैं और ओले गिरने से खास तौर पर किसानों को नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है क्योंकि गेहूं की फसल खड़ी हुई थी, तैयार थी, चने की फसल तैयार खड़ी थी, लेकिन अब उस पर ओले गिरने से काफी नुकसान हुआ है, फसलें चौपट हो गई हैं। तो तेज बारिश, हवाएं, जनजीवन पर असर और खास तौर पर किसानों पर दोहरी मार। बैतूल की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से बारिश और ओले ने तबाही मचाई है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। जमकर पानी बरसा है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस डिपार्टमेंट में छुट्टी लेने पर रोक लगा दी गई है। लोकसभा चुनाव और त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ने यह फैसला लिया है। बेहद जरूरी होने पर उच्च अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। एसपी को अगर छुट्टी चाहिए तो डीजीपी से पूछना होगा। डीएसपी, एएसपी को एडीजी, आईजी से मंजूरी लेनी होगी। बलरामपुर में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ हुआ है। आवासीय विद्यालय के आचार में मरा हुआ मेंढक निकला। 3 महीना हो गया है एक्सपायरी। यहाँ जिस बेसन का इस्तेमाल पकौड़े बनाने के लिए हो रहा था उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। हुआ क्या है? एसडीएम ने मामले का संज्ञान ले लिया है। हालांकि जो वायरल वीडियो है उसकी न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करता है। क्या चीज? क्या चीज में? आचार में सर। किसके आचार में? डब्बा होता है ना। हाँ। कौन खा रहा था? तो आपके आचार में निकला था। 3 महीना हो गया है एक्सपायरी में। 3 महीना हो गया है एक्सपायरी का। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे खबरें तेज रफ्तार के साथ।